नमस्कार, विंध्या सिटी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदिता हाजिर हूं आज की बड़ी खबर के साथ। दो जिलों की SDRF कर रही सर्चिंग। रीवा के लापता युवक ने सतना जिले के बकिया बराज में लगाई छलांग। बांध के किनारे मिली स्कूटी और चाबी। रीवा जिले के चुरहटा थाना अंतर्गत रुपौली गांव के एक युवक ने सतना जिले के बकिया बराज में छलांग लगा दी है। बांध के किनारे स्कूटी व चाबी मिलने पर परिजनों ने कोटर पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है। साथ ही युवक के डूबने की आशंका को लेकर होमगार्ड के गोताखोर को मौके पर बुलाया। जब सफलता नहीं मिली तो SDRF ने स्टीमर की मदद से बांध में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन दो दिन बाद भी डूबे हुए युवक का पता नहीं चल सका है। मिली जानकारी के मुताबिक रजनीश तिवारी पुत्र निशेश्वर तिवारी 27 वर्षीय निवासी रुपौली थाना चुराहटा के लापता होने पर परिजनों ने शुक्रवार को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो सतना के बकिया बराज में स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी दिखी, जबकि डैम के किनारे चबूतरे में चाबी भी रखी मिली है। दो दिन से चल रही सर्चिंग। शनिवार की सुबह सतना जिला सेनानी आई के उपनारे के निर्देश में SDRF PC विकास पांडे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय होमगार्ड व SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, जहां सुबह से शाम तक सर्चिंग की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि दोपहर के बाद रीवा जिले की SDRF टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने 3 घंटे संयुक्त रूप से रेस्क्यू चलाया था। इसी तरह दूसरे दिन रविवार को दिन भर सर्चिंग चली है, लेकिन शाम तक पता नहीं चला। सबसे पहले नई खबर पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।